हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सूरज मिनसुक से आई लाइक यू बोल देती है और मिनसुक उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। मिनसुक अपनी आर्म स्लिंग उतार देता है। सूरज उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मिनसुक कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो अगेन सूरज को किस कर लेता है। सूरज उसे पूछती है कि आपके हाथ को क्या हुआ, क्या ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ? आपका हाथ टूटा तो नहीं है? मिनसुक कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है और मुझे चोट तो लगनी ही थी, तो काश मेरा हाथ ही टूट जाता। सूरज गुस्सा करती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मिनसुक दर्द का नाटक करने लगता है। सूरज को फिर से टेंशन होने लगती है, पर मिनसुक उसके सर पर किस कर देता है और दोनों हंसने लगते हैं। मिनसुक उससे उसका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। सूरज कहती है कि सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया, और मिनसुक फिर से उसके गाल पर किस कर लेता है। सूरज उसे बताती है कि मैं यही रहती हूँ, पर मिनसुक उसे गुड बाय नहीं बोलना चाहता था। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि पहले तुम घर जाओ। नहीं, पहले तुम घर जाओ। सूरज कहती है कि मेरे तीन गिनते ही हम दोनों एक साथ अपने अपने घर जाएंगे। सो हान दूल सेद, पर दोनों में से कोई नहीं जाता और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। सूरज वहां से घर जाने लगती है। मिनसुक कहता है कि ये मुड़ेगी, सूरज टर्न करेगी, और सूरज टर्न करती है। दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। मिनसुक को कोच का फोन आता है, तो वो जल्दी से वहां से भागता है। मिनसुक को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो कोच को बिना बताए चला गया था। हवान और ताइसुक ने कोच को झूठ बोल दिया था कि कोई इमरजेंसी आ गई थी, तो मिनसुक को जाना पड़ा। पनिशमेंट के बाद हवान और ताइसुक मिनसुक को संभालने जाते हैं, पर वो गिर जाता है। मिनसुक बस पागलों जैसे हंसी जाता था। हवान कहता है कि लगता है ज्यादा पनिशमेंट के कारण ये पागल हो गया, और शायद हाथ के साथ साथ इसके सर पर भी चोट लगी है, पर अब ये सब बंद करो और चलो। पर मिनसुक खुद उठने की बजाय उन दोनों को ही नीचे गिरा देता है और फिर उन्हें किसेस करने लगता है। तीनों एक साथ बहुत ही हंसते हैं। हवान और ताइसुक उसे उठाते हैं, पर मिनसुक से उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि वो स्क्वैट्स करके बहुत ही थक गया था। देन मिनसुक सूरज को कॉल करके उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। सूरज को अभी भी उसके हाथ की बहुत ही टेंशन हो रही थी। युहा भी मिनसुक को मैसेज करी थी, पर मिनसुक उसका मैसेज इग्नोर कर देता है और सूरज को अपनी फर्स्ट डेट के लिए पूछता है। सूरज कहती है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी कि हमारी फर्स्ट डेट पर मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, और देन वो फोन रख देती है। अब तो युहा भी डायरेक्टर से मिलना चाहती थी, तो अब मिनसुक अपने फोन को ही किस कर ही जा रहा था। क्या प्यार में ऐसा होता है? हवान और ताइसुक मिनसुक को ऐसी हरकतें करते हुए देख लेते हैं। हवान मिनसुक से पूछता है कि क्या तुमने उसे किस किया। मिनसुक बहुत ही प्राउडली अपना सर हिलाता है। हवान मिनसुक को समझाता है कि तुम दोनों की एज प्रॉब्लम नहीं है, सूरज को तुम्हारी असली पहचान के बारे में ही पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि इसकी कोई सेंस बनती है? मिनसुक कहते हैं कि हाँ, और मैं अब से किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं बस अपनी फीलिंग्स पर ही ध्यान दूंगा। हवान कहते हैं कि तुम बहुत रोमांटिक हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, कॉन्ग्रेट्स गधे कॉन्ग्रेट्स। क्या तुमने छुपा छुपा किया? मिनसुक पूछता है कि छुपा छुपा क्या होता है। देन मिनसुक शर्माता हुआ वहां से उठता है और तीनों थोड़ी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे मिनसुक ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, और वो ग्रैंडपा को हैंडसम भी बोलता है। जाने से पहले वो ग्रैंडपा और डैड के गाल पर किस भी करता है। मिनसुक और सूरज एक साथ ऑफिस जाते हैं, और सूरज को अच्छे से रेडी हुआ देख रिटेल टीम की लेडीज उसे पूछती है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। सूरज शर्माकर अंदर भाग जाती है और मिनसुक भी स्माइल करने लगता है। ऑफिस में सूरज और मिनसुक का रोमांस कंटिन्यू रहता है। सूरज उसे रूफ टॉप पर बुलाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डायरेक्टर नाम से एक प्राइवेट ड्राइवर के बारे में पूछते हैं, जो जंगसू का ड्राइवर था। वो जंगसू मर चुका है, इस ड्राइवर का नाम चोई है। डायरेक्टर नाम उन्हें बताते हैं कि जंगसू के एक्सीडेंट के बाद वो चोई से नहीं मिले। प्रेसिडेंट को वो दिन याद आता है जब उन्होंने मिनसुक के डैड को बाइक पर देखा था, तो वो डायरेक्टर नाम को बताते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा था जिसकी शक्ल ड्राइवर चोई से मिलती थी। रूफ टॉप पर मिनसुक सूरज के बनाए खाने की तारीफ करता है, और सूरज शर्माती हुई उसके कंधे पर मारती है। मिनसुक का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है कि हाय, मुझे दर्द हुआ, पर सूरज अब उसके सारे ड्रामे समझ गई थी। मिनसुक बहुत शौक होता है कि तुम एक दिन में ही मुझे इतना जान गई, हाय मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। सूरज उसके मुंह में और खाना ठूस देती है। देन मिनसुक ऐसे ही वेकेशंस प्लान करने लगता है, और फिर दोनों हैप्पी डांस करते हैं। रिटेल टीम के दो एम्प्लॉयज को आता हुआ देखकर मिनसुक डायरेक्टर होने का नाटक करने लगता है, और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। मिनसुक जल्दी से आकर सूरज का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर सूरज उसे कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट मॉडर्न वुमेन हूँ जो अपना काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखना जानती है। बट मिनसुक फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और जिनवो ये सब देख लेता है। देन जिनवो सूरज से मिलकर उसे कहता है
और तुम और डायरेक्टर ली एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे और तुमने काफी जल्दी अपना मन बदल लिया। क्या तुम सच में विंसो को लाइक करती हो? सूजन कहती है कि हाँ, क्योंकि वो किसी और की तरह टू फेस नहीं है। जिनवो के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सूजन की बातों से बहुत ही फर्क पड़ा। ऑफिस में हान सबको बताता है कि आज असिस्टेंट मैनेजर पार्क का बर्थडे है। काफी मनाने के बाद असिस्टेंट मैनेजर पार्क उन्हें पार्टी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। हान सबको एक साथ हाइकिंग ट्रिप पर जाने के लिए सजेस्ट करता है, पर मिनसुक और सूजन कोई बहाना बना देते हैं क्योंकि उन्हें अकेले घूमने जाना था। असिस्टेंट मैनेजर पार्क भी जाने के लिए मना कर देते हैं। वॉशरूम में रिटेल लेडीज आपस में बातें करी थी कि शायद डायरेक्टर किसी को डेट कर रहे हैं, पता नहीं वो लकी गर्ल कौन होगी। सूजन भी वही थी और वो अपने दिमाग में इसका आंसर देती है कि मैं हूँ वो लकी गर्ल जो डायरेक्टर ली सियोक को डेट कर रही है। सांग ही बताती है कि जब वो एक बार अपने बीएफ के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसके बीएफ ने जानबूझकर लास्ट बस को मिस कर दिया था। सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सबका एक ही मोटिव होता है। सूजन ये बातें सुनकर घबरा गई थी और वो वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर मिनसुक उसका वेट कर रहा था, जिसे देखकर वो डर जाती है। मिनसुक पूछता है कि क्या तुमने कोई भूत देख लिया? बाय द वे, मैं सोचा था कि हमें अपनी फर्स्ट एड के लिए ट्रेन से ट्रिप पर जाना चाहिए। सूजन बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। सूजन के दिमाग में अभी भी सांगी की बातें ही घूम रही थी, तो वो फिर से इंटरनेट पर लोगों से ट्रिप के बारे में पूछती है। सब लोग आंसर में कह रहे थे कि पक्का लड़की को ट्रिप पर ले जाने का लड़के का कोई और रीजन है। सब सूजन को वार्न करते हैं कि सारे मैन वॉल्व्स होते हैं और तुम्हें जाकर लॉन्ड्री शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ये सब रीड करके सूजन डर जाती है और उसका ध्यान मिनसुक पर जाता है जो विंडो पर हर्ट ड्रॉ कर रहा था। देन मिनसुक को कोच की ईमेल आती है जिसमें दूसरी टीम के बारे में इन्फो थी। तभी जिनवो मिनसुक के कैबिन में आकर उसे फाइल्स देकर इन्हें चेक करने को बोलता है और मीटिंग को नेक्स्ट वीक शिफ्ट करने को बोलता है। मिनसुक उसे तुरंत हाँ बोल देता है क्योंकि वो जिनवो की शक्ल और नहीं देखना चाहता था। जिनवो डायरेक्टर नाम से मिलकर उन्हें बताता है कि अभी हमें ली सियोक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, पर मुझे यकीन है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मिनसुक और सूजन एक साथ बाहर खाना खाने जाते हैं और मिनसुक सूजन का मुंह साफ करता है। घर पहुंचकर सूजन जल्दी से मिनसुक अपने घर जाने को बोलती है। मिनसुक फाइनली वहां से चला जाता है तो सूजन सीधा लॉन्ड्री शॉप पर आ जाती है और वो सब कुछ ट्राई करती हुई बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी। मिनसुक अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं ट्रिप के लिए आइलैंड जा रहा हूँ। ये सुनते ही उनके दिमाग में गंदी गंदी बातें आने लगती है। मिनसुक उन पर गुस्सा करता है कि तुम दोनों बस यही सोच सकते हो और मैं सिर्फ 18 इयर्स का हूँ और मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हवान और ताइसियो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बहुत ही फनी एक्टिंग करते हैं। मिनसुक उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? हवान कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देन तीनों फिर से हंसने लगते हैं। ऑफिस में टीम लीडर डायरेक्टर हान को ड्रिंक्स कैंसिल करने के लिए कंप्लेंट कर रहे थे कि अगर वो आज ड्रिंक पर नहीं गए तो उन्हें घर पर जाकर बच्चों का ध्यान रखना होगा। डायरेक्टर हान उसे खुश करने के लिए उसे एक एनवेलप देते हैं जिसे देखकर टीम लीडर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर उसमें सिर्फ $5 का वाउचर होता है तो टीम लीडर की खुशी गायब हो जाती है जो सिर्फ कुछ सेकंड्स की ही थी। जिनवो उन्हें देख लेता है और उसे टीम लीडर और मिनसुक की बातें याद आती है जहाँ पर मिनसुक उनसे प्रॉमिस कर रहा था मैं बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो जिनवो टीम लीडर को ड्रिंक्स पर इनवाइट कर लेता है। घर पर सूजन अपनी न्यू लॉन्ड्री पैक करती है और फिर वैक्सिंग करने लगती है। युहा के आने पर वो अपना बैग छुपा लेती है, पर युहा को तो उस पर शक हो जाता है और वो उसे पूछती है कि कहीं तुम नाइट स्पेंड करने तो नहीं जा रही। युहा उसे वार्न करती है कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं मॉम को सब बता दूंगी। युहा को भगाने के बाद सूजन वॉशरूम में आकर फिर से वैक्सिंग करने लगती है। टीम लीडर और जिनवो एक साथ ड्रिंक्स करने जाते हैं और जैसे ही टीम लीडर पूरी तरह ड्रंक हो जाते हैं तो वो जिनवो की चीक्स खींचने लगते हैं और वो उसे पॉकेट मनी भी देते हैं। देन जिनवो अपना असली काम स्टार्ट करता है और वो टीम लीडर से ली सियोक के बारे में पूछता है। टीम लीडर बताते हैं कि ली सियोक बहुत ही अनोइंग है। जिनवो से पूछता है कि वो तो स्कूल में आपका जूनियर था ना, तो उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा था? टीम लीडर बताते हैं कि वो बहुत ही पिकी था और बहुत ही अनोइंग था। जिनवो उनसे जो भी पूछता था वो बस उसका एक ही जवाब दे रहे थे कि ली सियोक बहुत ही अनोइंग है। जिनवो का सारा प्लान फेल हो जाता है और उसे टीम लीडर को पिगी बैक राइड देनी पड़ती है। टीम लीडर जिनवो के सर पर काट लेते हैं और जिनवो उन्हें फाइनली टैक्सी में बिठा देता है। मिनसुक अपने रूम में बैठा आइलैंड पर सर्च कर रहा था, तभी वहाँ डैड आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मिनसुक शायद पॉर्न देख रहा है, बट वो उसे कुछ नहीं कहते। डैड उसे पूछते हैं कि अगर कल तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है तो हम ग्रोसरी शॉपिंग पर चले, पर मिनसुक उससे कहता है कि कल तो मेरी ट्रेनिंग है। घर पर सूजन को एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी और उसे अपनी ड्रीम्स में मिनसुक दिखाई दे रहा था जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से सड्यूस कर रहा था। सूजन नींद से उठकर हंसती है, शर्माती है, क्लैपिंग करती है और बस बार बार उसे वही अजीब सा सपना आ रहा था और सूजन ठीक से सो नहीं पा रही थी। सुबह सूजन लेट हो जाती है बट वो फाइनली रेडी होकर वहाँ पहुँच जाती है। आइलैंड पर पहुँच कर
मिनसुक और सूजन सबसे पहले बाइक राइड पर जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी आईडी दिखानी थी। मिनसुक को अपनी आईडी देकर याद आता है कि इससे तो सूजन को सब पता चल जाएगा, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं अपनी आईडी घर भूल गया। पर सूजन, हम तुम्हारी आईडी यूज कर सकते हैं। सूजन भी झूठ बोल देती है कि मेरे पास आईडी नहीं है। मिनसुक को तो पता था, तो वो जबरदस्ती उससे उसकी आईडी ले लेता है और फोटो देखकर शॉक हो जाता है। पर देन वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो, बिल्कुल चबी चबी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें काट लूं। तो फाइनली डेट शुरू होती है। दोनों एक साथ बाइक चलाते हैं, वॉक करते हैं, खाना खाते हैं और सेल्फीज भी लेते हैं। मिनसुक सूजन का बहुत ध्यान रखता है। एक दूसरे की काफी अजीबोगरीब फोटोज लेने के बाद दोनों वॉक करते हैं। मिनसुक पेंशन की बातें करने लगता है कि ये कितने क्यूट है। सूजन सोचती है कि अचानक ये पेंशन की बातें क्यों करने लगा। मिनसुक पेंशन की फोटो लेना चाहता था पर उसे तो अपना मोबाइल ही नहीं मिलता, तो मिनसुक सोचता है कि शायद मेरा मोबाइल रेस्टोरेंट में रह गया। सूजन को सांगी की बातें याद आती है कि उसके बीएफ ने भी वॉलेट घूमने का बहाना बनाया था। सूजन अजीब तरीके से हंसती है और दोनों वापस रेस्टोरेंट जाते हैं, पर वहाँ मिनसुक का मोबाइल नहीं था। मिनसुक और याद करने की कोशिश करता है। सूजन कहते है कि रुको, मैं कॉल करती हूँ। सूजन को मिनसुक के बैग में से रिंग की आवाज आती है और मिनसुक को अपना मोबाइल मिल जाता है। सूजन फिर से कुछ और ही सोचने लगती है कि शायद मिनसुक टाइम पास कर रहा है ताकि हमारी ट्रेन मिस हो जाए। स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाने के बाद दोनों को फोटो में एक आदमी दिखता है जो उन्हें असिस्टेंट मैनेजर पार्क जैसा लगता है, पर देन उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क है जो इसी आइलैंड पर रहते हैं, पर वो इन्हें नहीं देख पाते। मिनसुक को बहुत ज्यादा शौक लगा था और वो अकेला ही चली जा रहा था। देन मिनसुक टाइम देखता है और वो सूजन को लेकर भागता है और दोनों टाइम पर लास्ट बोट पकड़ लेते हैं। मिनसुक बहुत ही खुश था पर सूजन डिसअपॉइंट लग रही थी। सूजन को सांगी की और भी बातें याद आती है कि अगर लड़का आपको सेक्सुअली टच नहीं करता मतलब वो लड़की अट्रैक्टिव नहीं है। ट्रेन में सूजन चुपचाप बैठी हुई थी और मिनसुक उसके कंधे पर सर रखने की कोशिश करता है, पर सूजन उसे सर रखने नहीं देती। मिनसुक उससे पूछते रहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, पर फिर भी सूजन उसे कुछ नहीं बताती। मिनसुक कहता है कि मुझे रीजन तो बताओ तभी मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा। दूसरी तरफ ताइसुक और हवान ताइसुक की मॉम के रेस्टोरेंट में बैठकर किसी और रेस्टोरेंट से नूडल्स ऑर्डर करते हैं। डिलीवरी मैन कहता है कि इस हिसाब से तुम्हारा रेस्टोरेंट जल्दी ही बंद हो जाएगा। ताइसुक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। देन मिनसुक हवान को कॉल करके सारी बात बताता है और शायद मिनसुक समझ गया था, और तभी सूजन वॉशरूम से बाहर आ जाती है। मिनसुक उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम उस बात पर गुस्सा हो जब हमने स्टैचू के साथ फोटो ली थी और तुम्हारा फेस बड़ा आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सूजन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, और फिर वो वहां से जाने लगती है। मिनसुक उसे रोकता है पर इसी चक्कर में सूजन का बैग गिर जाता है। मिनसुक उसे पूछता है कि इसमें इतनी सारी लॉन्ड्री क्यों है। सूजन उसे रोकती है पर वो तो सामान निकाले ही जा रहा था। फाइनली मिनसुक को असली बात समझ आती है। सूजन की बातों से मिनसुक का डाउट और भी क्लियर हो जाता है। मिनसुक शॉक के मारे स्टैचू हो गया था और वो बस सूजन को देख ही जा रहा था। सूजन उसे खुद ही सारा सच बता देती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक वुमेन नहीं हूँ या फिर मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो आप मुझे लाइक क्यों करते हो। देन सूजन वहाँ से चली जाती है और मिनसुक हंसने लगता है। देन वो सूजन को रोकता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो और मुझे लड़कियां ही पसंद है, और तुम्हें पता है मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया। मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था बट मैंने बहुत मुश्किल से इसे कंट्रोल किया, क्या मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, चलो अब यहाँ आओ। सूजन जल्दी से मिनसुक का हक कर लेती है। मिनसुक उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ सूजन, और प्लीज इस बात पर कभी शक मत करना। देन मिनसुक उसे आइस रिंक पर ले आता है। मिनसुक तो आइस हॉकी खेलता है तो उसे तो स्केटिंग करनी आती है, पर सूजन ये देखकर बहुत ही शॉक होती है कि डायरेक्टर आप तो सारी चीजों में अच्छे हो। सूजन उससे हॉकी की बातें भी करती है पर मिनसुक झूठ बोल देता है कि मुझे हॉकी पसंद नहीं है। देन वो सूजन को स्केटिंग सिखाता है। दोनों ये टाइम बहुत ही एंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। सूजन को ठंड लग रही थी तो मिनसुक उसके लिए एक ब्लैंकेट लाता है। सूजन मिनसुक को कॉम्प्लीमेंट देती है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मिनसुक उसे कहता है कि तुम बहुत टायरिंग हो, मुझे तो तुम्हारा बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। मिनसुक ने नोटिस किया था कि सूजन आइस स्केटिंग अच्छी कर लेती है, तो सूजन उसे बताती है कि मेरे फादर ने बचपन में मुझे स्केटिंग सिखाई थी और जब मैं हाई स्कूल में थी तो उनकी डेथ हो गई और मैं पिछले 8 सालों से अपनी छोटी बहन के साथ सियोल में ही रहती हूँ। मिनसुक भी उसे अपने भाई के बारे में बताता है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं पर दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है और मैं तुम्हें एक दिन उससे जरूर मिलवाऊंगा। देन मिनसुक सूजन से पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी। सूजन उसे बताती है कि मैं बस एक नॉर्मल सी लड़की थी और पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, मैं तो बस सारा दिन क्लास में डे ड्रीमिंग करती रहती थी। देन वो मिनसुक से भी सेम सवाल पूछती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं
कि सूजंग और मिनसुक अभी भी आइस रिंक पर ही है और सूजंग मिनसुक को देखकर डर जाती है। तो अब दोनों को कोल्ड हो गया था। सूजंग कहती है कि मुझे जल्दी से घर जाना होगा, पर मिनसुक उसे अपने साथ ले जाता है। आज संडे था पर जिन वो ऑफिस आता है और सीधा रिटेल डिपार्टमेंट जाता है। रेस्टोरेंट में सूजंग घर जाने की जिद करी थी पर मिनसुक उसे बैठने को बोलता है। मिनसुक उसे पूछता है कि तुम अपनी सिस्टर से काफी डरती हो, क्या वो गुस्सा करती है? सूजंग उसे बताती है कि वो मुझसे छोटी है पर वो मेरी बड़ी बहन की तरह बिहेव करती है। देन खाना जाता है और एक लेडी उनके लिए सॉल्टेड श्रिम्प लाती है। दोनों श्रिम्प के लिए मना कर देते क्योंकि उन्हें एलर्जी है। इस बात पर दोनों बहुत ही खुश और शॉक भी होते हैं। दूसरी तरफ जिनवू मिनसुक का लैपटॉप चेक कर रहा था और उसे कोच की ईमेल मिलती है जिसमें उन्होंने हॉकी की स्ट्रेटजीज बताई थी। जिनवू को लगता है कि शायद ये बस मिनसुक की हॉबी होगी, तो वो लैपटॉप बंद करने वाला था पर तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है। ये ली सोक की मेल थी जिनवू मेल ओपन करने वाला था, पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।